नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बलिया जिले में बड़ा गांव में हिंदू मुसलमान का कोई तनाव नहीं है, शांत व्यवस्था कायम है। लोग शांत व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। इंडिया टाइम से ब्यूरो चीफ एजाज अहमद। यूपी जिला बलिया मनिया थाना क्षेत्र के अंतर ही बड़ा गांव में हुए तनाव के बारे में जब अब्दुल करीम से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप बताइए, बड़ा गांव में जो आरोप साधु को पीटने का मुसलमानों के लड़के द्वारा बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि साधु जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम लोगों के बच्चे हम लोगों के पास सोए हुए थे, फिर मामला कैसे हुआ, ये उनका आरोप लगाना सरासर गलत है। बड़ा गांव थाना मनियर जिला बलिया। आप क्या करते हैं? मैं घर परिवार के साथ थोड़ा बड़ा खेती करते कराते हैं। आज जो है आपके गांव में एक साधु के साथ सामाजिक तत्वों द्वारा पिटाई गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो पिटाई हुई है ये तो बिल्कुल टोटल ही फर्जी और गलत है। अच्छा, और जो आरोप लगा है वो गलत है। इसमें मुसलमानों को बदनाम किया गया है, और आज नहीं सन 82 से जो है हम मुसलमानों के साधु के जरिए बदनाम और दुर्नाम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सन 82 में जो है ताजिया को लेकर के यही साधु मौनिया बने थे, और तिराहे पर जो है चट्टी तिराहे पर जो है उन्होंने ताजिया को रोक दिया। अच्छा, ताजिया को रोक दिया, हिंदू मुसलमान लगा कि बलवा हो जाएगा, जबकि प्रशासन द्वारा किसी तरीके से ताजिया का त्यौहार संपन्न हुआ, और वो हमारा गांव जो है लिखा गया उसको अति संवेदनशील में, उसके बाद से हमारे गांव को बदनाम किया गया। लेकिन चंद साल रह करके वो साधु चले गए यहाँ से, कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा वो आए, तो आ करके हम लोगों के घर के करीब जो है एक मंदिर ब्रह्म जी का है, जो कि वहाँ एक बहुत बड़ा जग हुआ था, और जग में कोई ऐसा बिरादरी नहीं था जो शामिल नहीं था, सारे लोग शामिल होकर के हिंदू मुसलमान सभी लोग एक एकता का प्रतीक देते हुए उस यज्ञ में शामिल हुए। मैं भी शामिल था, सब लोगों ने मिलकर उस जग को संपन्न कराया, और उसके बाद उस जमीन को बरंजी के स्थान पर जमीन को उसकी चाहे दीवारी घेरी गई। घेरने के बाद फिर वो मुसलमानों से दूरी साधु बढ़ा दिया। आप लोगों से साधु क्यों नाराज रहते हैं, क्या बात है? अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनसे क्या तकलीफ है, जाती तौर पर हम नहीं बताएंगे। आपकी कोई उनसे तकलीफ है? हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। वह हिंदू मुसलमान का कोई मामला है? हिंदू मुसलमान का कोई मामला है, बचपन से पूर्वजों के जमाने से हम मुसलमानों में मरने में जीने में शादी में विवाह में हमेशा हम लोग आते जाते सबके दुख सुख में सब शरीक रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ गले से गले मिलकर के रहते हैं, लेकिन इनके आने के बाद ये दूरी जो है थोड़ी बढ़ती चली जा रही है और बढ़ी है आज के दौर में। और आगे आपको जो पूछना है पूछ लीजिए हमसे। और वहाँ पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन शांति ही है। आज जो है पुलिस प्रशासन को भी बदनाम किया जा रहा है, जबकि न्याय रूप में पुलिस ने काम किया है हमारे साथ और गाँव के साथ। अच्छा, हम लोग सब दोनों पक्ष सुरक्षित है, किसी तरीके का तनाव नहीं है, पुलिस प्रशासन की देख रेख है। लेकिन पुलिस को बदनाम किया जा रहा है कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, पता ना नहीं, पुलिस तो उसने गिरफ्तार भी की है। हाँ, गिरफ्तार की है, और 6 लोगों को गिरफ्तार करके कल से जो है वो बंद किया है। अच्छा, आज लोगों था तक वो थाने में, कल 6 बजे लगभग 6 बजे जो है वो थाने में छाए हुए हैं। थैंक यू। गाँव के अंदर वर्तमान माहौल को लेकर के शासन और प्रशासन का ये प्रयास है कि शांति कायम रहे। हिंदू मुस्लिम अपने भाई भाई एक साथ सब रहते थे, सब अपना रहे हैं। गाँव में किसी प्रकार की राजनीति या गलत अफवाह न फैलाया जाए, प्रयास हमारा यही है। इसीलिए प्रशासन से लेकर के और गाँव की जनता से लगे हुए हैं, इसीलिए एक शांति समिति भी बनी थी। हिंदू मुसलमानों के दर्शन लोगों का नाम था, जिसका इस समय जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रयास है कि शांति समिति की बैठक बुला करके और इस मामले को। प्रधान जी, आप वहाँ के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रधान भी रहे हैं, इस समय जो ये मवाल जो उठा है, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि शांति समिति की
हम लोग के बैठक समिति बनाए हैं जिससे कि गांव में एक शांति व्यवस्था कायम रहे। तो ऐसी व्यवस्था पर, ऐसे अवसर पर आप उस शांति समिति का प्रयोग करने का भी आप बात कर रहे हैं, इस साधु का जो मामला आ रहा है ये कहां तक सच्चाई है? ये पहले गांव के लोग जो है प्रथम है, साधु तो मान लीजिए आज हैं कर रहे हैं जी, शांति व्यवस्था तो गांव के लोगों को करना है जी। जब शांति समिति के लोग को बैठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, गाँव में शांति कायम हो जाएगी। गाँव के वजह से ना गाँव के लोगों कुछ गाँव के तत्व जो है उन लोगों के साथ। वहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस की व्यवस्था सराहनीय है, शांति व्यवस्था कायम है, व्यवस्था कायम की है, अन्याय न्याय की जांच हो रही है, गलत है, सही है। थैंक यू प्रधान जी। मैं राजेंद्र यादव बड़ा गाँव जी, बढ़ते जवाब जी, बलिया जिला का, बलिया मनेर थाना बलिया जिला का रहने वाला हूँ, और वहाँ हमें उनका ये है।